আজকে মুখ্য অতিথি ডক্টর আগরওয়াল জি উপমহানিদেশক সহায়ক মহানিদেশক ইহাম উপস্থিত সবই অধিকারিয়ম কর্মচারিয়ম ওর সবই সদস্যগণম কা মে হার্দিক অভিনন্দন করতি হুম আজ হামারে বীচ এক জানে মানে প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক ডক্টর কে আগরওয়াল জি উপস্থিত হে জিনে হামারে দেশ নে পদ্মশ্রী সে নওয়াজা হে मैं सचिव डेयर तथा महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद डॉक्टर अयपन जी से अनुरोध करती हूं कि वे पुष्पगुंज से मुख्य अतिथि का स्वागत करें। कहते हैं कि जो व्यक्ति तन और मन से स्वस्थ होता है वह संसार का सबसे सुखी व्यक्ति है, क्योंकि स्वास्थ्य शरीर में नहीं स्वस्थ मन में रहता है। जीवन की भागदौड़ में आज बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर कोई तनाव में रहता है। उसके पास मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर उपस्थित कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसे तनाव नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने शुरू से ही स्वास्थ्य के महत्व स्वीकार किया है और स्वस्थ बने रहने के लिए प्रकृति के नियमों का पालन करने की सलाह दी है। जीवन में स्वस्थ बने रहने के सबसे आसान मंत्र है प्रकृति के नियमों का पालन, कठोर परिश्रम, थोड़ा सा व्यायाम और पौष्टिक व सादा भोजन। मैं इनके बारे में आपसे कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। मेडिटेशन सहित अपने चिकित्सा पेशे में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो इनके द्वारा अछूता रहा हो। हमारे आदरणीय अतिथि डॉक्टर अग्रवाल जी एक विश्व प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ और वरिष्ठ सलाहकार व चिकित्सक होने के साथ साथ भारत के हार्ट केयर फाउंडेशन का संस्थापक, ट्रस्टी और अध्यक्ष भी है। इन्होंने चिकित्सा और विज्ञान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के साथ साथ लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के लिए एक उत्साही प्रचारक के रूप में कार्य किया है। इन्होंने समाज के लिए एक चिकित्सक, लेखक, उद्घोषक, प्रशिक्षक, विचारक, सलाहकार, शोधकर्ता, वैज्ञानिक और स्वास्थ्य संचारक के रूप में योगदान दिया है और इन्होंने दूरदर्शन पर समाज के हर वर्ग के लिए स्वास्थ्य संबंधी कई कार्यक्रम प्रसारित किए। अपने सम्मिलित प्रयासों के कारण इन्होंने कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त किए। आज हम डॉक्टर अग्रवाल जी के भाषण और सलाह को सुनने के लिए बहुत उत्साहित है। अब मैं डॉक्टर अग्रवाल जी को इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। धन्यवाद। डॉक्टर एस अयप्पन जी, डॉक्टर बी मैडम मीना कुमारी जी, अदर डिस्टिंग्विश गेस्ट एंड कलीग्स, मैंने स्टेथोस्कोप पहन रखा है सिर्फ इसलिए कि आप लोग बीच में मेरे लेक्चर में भूल ना जाओ कि मैं एक डॉक्टर हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टरी के अलावा बाकी सब कुछ बात करूँगा। सो आई एम नॉट हेयर टू गिव ए कंसल्टेशन ऑन ब्लड प्रेशर, डायबिटीज। I am here to talk about prevention, so I am not here to cure you. Greetings from HeartCare Foundation of India. We joined with Dr. Kakaru and Deepak, my colleagues who are with you. मैं जब कोई भी वर्कशॉप लेता हूँ तो तीन हिस्सों में बांटता हूँ। मेरा पहला हिस्सा है कि अवेयरनेस क्रिएट करो ताकि आप लोग 80 साल तक आपको हार्ट अटैक, हार्ट की बीमारी ना हो, कोई भी बीमारी ना हो, कैंसर ना हो, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आपको ना हो, क्योंकि जंगली जानवर को हार्ट की बीमारियां नहीं होती। और अगर हो जाए तो क्या करें? सो सेकंड पोर्शन हमारा है कि ट्रीटमेंट कैसे करें, और ट्रीटमेंट जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो क्या करे। तीसरा, आपने ट्रीटमेंट भी कर दिया, अवेयरनेस भी क्रिएट कर दी, फिर आदमी मर गया तो क्या करें? तो मरने वाले को जिंदा करना सिखाते हैं। सो मैं उल्टा चलूंगा, मैं पहले 5 मिनट आपको सिखाऊंगा कि मरने के बाद किसी को जिंदा कैसे करना, फिर 5 मिनट में बताऊंगा ट्रीटमेंट के बारे में, फर्स्ट एड के बारे में, एंड देन आई विल कम बैक 30 मिनट्स फॉर माय प्रिवेंशन। एंड इन प्रिवेंशन मैं सिर्फ बातचीत करूंगा हमारी भारतीय संस्कृति की, कि अगर आप भारतीय संस्कृति को मानो तो आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, हार्ट की बीमारियां नहीं होंगी। व्हेन आई से हार्ट अटैक इंक्लूड्स ओबेसिटी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कैंसर, मोटापा, ये सब, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। सो माई फर्स्ट विल बी कि मरने के बाद में हम किसी को जिंदा कर सकते हैं, क्या पॉसिबल है? नहीं नहीं पॉसिबल है, पॉसिबल है नहीं, पॉसिबल है नहीं, पॉसिबल है
नहीं नहीं गलत. सो द मैसेज इज मरने के बाद में इट इज पॉसिबल टू रिवाइव ए पर्सन प्रोवाइडेड यू बिकम सावित्री. जिसने सत्यवान को बचाया था कुछ करके, सावित्री ने यमराज से लड़ाई लड़के अपने पति को बचाया था, लेकिन ये मौत तभी ये रिवाइवल तभी पॉसिबल है इफ यू डू इट इन द फर्स्ट 10 मिनट्स ऑफ डेथ. नॉट हार्ट अटैक. डेथ मीन्स नो रेस्पिरेशन. एक आदमी को रेस्पिरेशन बंद हो गया है और वो मर गया है, 10 मिनट तक उसकी आत्मा शरीर नहीं छोड़ती. यानी कि यमराज आके खड़ा हो जाएगा, 10 मिनट तक वेट करेगा कि कोई सावित्री आएगी इसको बचाएगी, कोई सावित्री नहीं आती तो आत्मा को लेके चला जाता है. इन लेमेंस लैंग्वेज, इन मेडिकल लैंग्वेज, द ब्रेन डजंट डाई फॉर 10 मिनट्स. इन मेडिकल लैंग्वेज ब्रेन रिमेन्स अलाइव फॉर 10 मिनट्स, एंड इन दीज 10 मिनट्स इफ यू कैन रिवाइव द हार्ट, इसका मतलब है कि गाड़ी का इंजन बंद हो गया है, पेट्रोल है. अगर पेट्रोल खत्म हो गया तो आत्मा चली गई, और बंद इंजन को अगर आप स्टार्ट कर दो तो पेट्रोल है, गाड़ी चलती चली जाएगी. जब तक पेट्रोल है गाड़ी चलेगी. उसी तरीके से मेरे शरीर में मेरी आत्मा मेरा पेट्रोल है, हार्ट मेरा इंजन है. इंजन को अगर आप धक्का देके स्टार्ट कर दो, एक गाड़ी बंद हो जाती है या स्कूटर बंद हो जाता है तो आप धक्का देके स्टार्ट करते हो, स्कूटर को किक मार के स्टार्ट करते हो. उसी तरीके एक रुके हुए हार्ट को आप किक मार के स्टार्ट कर सकते हो, और अगर 10 मिनट के अंदर में रुके हुए हार्ट को स्टार्ट कर दो तो आदमी जिंदा हो सकता है. 10 मिनट में डॉक्टर के अग्रवाल हु रिप्रेजेंट्स अ मेडिकल प्रोफेशन नहीं पहुंच सकते, और आप डॉक्टर के अग्रवाल के पास नहीं पहुंच सकते. सो ये 10 मिनट में तो आपको ही डॉक्टर बनना पड़ेगा. हमारा एक फार्मूला है, क्योंकि सावित्री ने सत्यवान को बचाया तो हमने इसका नाम रखा है सावित्री मंत्र, कि मरने के 10 मिनट के अंदर अर्लियर द बेटर, कम से कम 10 मिनट तक, लॉन्गर द बेटर, 10 × 10 100 पर मिनट की स्पीड से अपनी छाती पीटने के बदले मरे हुए आदमी की छाती पीटो. कैन वी रिवाइज ऑल ऑफ अस, मेरे साथ साथ बोलो, मरने के 10 मिनट के अंदर, एवरीबॉडी हैज टू स्पीक ताकि याद हो जाए, मरने के 10 मिनट के अंदर अर्लियर द बेटर, कम से कम 10 मिनट तक, लॉन्गर द बेटर, 10 × 10 100 पर मिनट की स्पीड से अपनी छाती पीटने के बदले मरे हुए आदमी की छाती पीटो. ये आदमी मरा हुआ है, ये नीचे ग्रे रंग का उसका पेट है और नीले रंग की उसकी छाती है. छाती के बीचों बीच यहां पे ब्रेस्ट बोन होती है. ब्रेस्ट बोन के ऊपर में यहां एक निशान लगा हुआ है, ये एरिया है जहां पे दबाना है. सो अपनी छाती के बीचों बीच दबाना है. मरीज को जमीन पर लटा दो, बिस्तर पर नहीं, सोफे पर नहीं, हार्ड सरफेस पे, यहां पे चलेगा, ठीक है, जमीन पे चलेगा, बिस्तर पे नहीं होगा. और क्योंकि हमारे को जमीन के बीच में और ऊपर की बोन के बीच में हार्ट को दबाना है. उसके बाद में आप घुटने के बल खड़े हो जाइए, इसको हम बोलते हैं सावित्री आसन. घुटनों के बल खड़े होने को बोलते हैं सावित्री आसन. फिर सावित्री मुद्रा, दोनों हाथों को सीधा कर लिया, बिना कोनी मोड़े दोनों हाथों को सीधा कर लिया. फिर सावित्री स्थान, जहां मैंने बोला है वहां पे हाथ को रखा. देन सावित्री एक्शन, 100 पर मिनट की स्पीड से जब तक करते रहना है, जब तक आदमी उठ ना जाए या डॉक्टरी हेल्प ना आ जाए. लॉन्गर द बेटर, करते जाओ, कम से कम 10 मिनट. किसी का दिल रुक गया है सडनली, आप उसको रिवाइव कर सकते हो. ओके, दिस चैनल इज क्लोज्ड. So, मरे हुए इंसान को आप जिंदा कर सकते हो, ठीक है. दूसरा, 5 मिनट्स आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ट्रीटमेंट. अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए, हार्ट अटैक का मतलब है छाती के बीचों बीच दर्द, जलन, हाथ में जा रहा है, सस्पेक्टेड आपको लग रहा है हार्ट अटैक हो गया. अगर आप एस्पिरिन वाटर सोल्यूबल की गोली 300 मिलीग्राम खा लो तो आपको 21% मरने की संभावना कम हो जाएगी. दैट्स ऑल. सिंपल डिस्प्रिन के नाम से आती है. अगर आपको लग रहा है हार्ट अटैक है, डिस्प्रिन की गोली चबा लो और अस्पताल जाओ तो रास्ते में मरने की संभावना कम हो जाएगी. दैट्स द ओनली फर्स्ट एड यू मस्ट रिमेंबर. सस्पेक्टेड हार्ट अटैक, डिस्प्रिन खा लो, चबा लो, खाने नहीं है, चबा लो, यू विल नॉट डाय. देन गो टू द हॉस्पिटल. और अगर कोई मर भी गया तो कोई बात नहीं, साथ में कोई है जवाब जिंदा कर देगा. सो यू गो फियरलेसली, नंबर वन. नंबर टू, आप लोगों को तो, सब लोग सीजीएचएस में आते हैं तो आप लोगों को तो फ्री ट्रीटमेंट है. लेकिन वो सारे लोग जिनको फ्री ट्रीटमेंट नहीं है,
अगर किसी को एक्यूट हार्ट अटैक है और वो 3 घंटे के अंदर में एम्स या जीबी पंत पहुंच जाता है, अमीर हो कि गरीब हो, उसको इमीडिएटली एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है। ये सबको मालूम होना चाहिए। सो 3 घंटे के अंदर अंदर आप उसकी आर्टरी को खोल के नॉर्मल कर सकते हो, ये हार्ट अटैक के लिए। दूसरा, जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, ना वो CGHS है, ना उनके पास ESI है, ना उनके पास में कोई फंड है, हमारी संस्था साल में 500 लोगों की सर्जरी फ्री कराती है। तो के अग्रवाल को याद रखो। सो हमारी संस्था उन लोगों के लिए जिनका कोई नहीं है, उनके लिए भी संस्था है, हम लोग 500 लोगों की फ्री सर्जरी कराते हैं। वी विल स्पेंड नाउ मोर टाइम ऑन प्रिवेंशन। सबसे पहले प्रिवेंशन के लेक्चर को मैं खत्म कर दूंगा आपको 2 मिनट में, बिफोर वी गो इन टू डिटेल। अगर आप चाहते हो कि 80 साल तक, अगर आप चाहते हो कि 80 साल तक आपको हार्ट अटैक या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज ना हो, तो के अग्रवाल का 80 का फार्मूला याद रखो। तो 80 का फार्मूला है कि दिल की धड़कन, नीचे का ब्लड प्रेशर, गंदे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, पेट की चौड़ाई और फास्टिंग शुगर, सबको 80 से कम रखो। डॉक्टर के पास जाते हो ना, बोले बीपी कितना होना चाहिए, बोले नीचे का 80 से कम कर दो। शुगर कितनी, 80 से कम। गंदे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितना, 80 से कम। दिल की धड़कन 80 से कम, सिंपल है। पेट की चौड़ाई 80 से कम, सिंपल है, याद करना। इसके लिए क्या करो, 80 मिनट रोज चलो, 80 इंच नहीं 80 मिनट रोज चलो, हफ्ते में 80 मिनट तेज चलो। तेज चलने का मतलब है कम से कम 1 मिनट में 80 कदम, मुश्किल है याद करना। मैं ये जो चल रहा हूं ये 80 मिनट में काउंट हो गया। सो दिन भर में 80 मिनट चलो, एक हफ्ते में 80 मिनट तेज चलो। तेज चलने का मतलब है कम से कम 1 मिनट में 80 कदम। दिन भर में 80 साइकिल प्राणायाम की करो, स्लोअर एंड डीपर ब्रीदिंग, 80 साइकिल प्राणायाम की करो। जब खाना खाओ तो कैलोरिक फूड 80 ग्राम से कम होना चाहिए, पानी नहीं, कैलोरिक फूड। दाल खा रहे हो तो उसमें 10 ग्राम दाल है, 100 ग्राम पानी है, तो दाल की बात कर रहा हूं। टोटल 80 ग्राम से ज्यादा खाना नहीं, एंड टोटल कैलोरिक लिक्विड 80 ml से ज्यादा नहीं। साल में 80 दिन अनाज मत खाओ। अगर साल में 80 दिन अनाज नहीं खाओगे, आपको कभी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। सिगरेट मत पियो, पियोगे तो 80,000 रुपए का स्टैंड लग जाएगा। शराब मत पियो, पियो तो 80 ml से कम और हफ्ते में 80 ग्राम से कम। नहीं पियो बहुत अच्छी बात है, पीते हो तो 80 ml से कम। ऐसे एटमॉस्फेयर में ना बैठो जहां 80 decibel से ज्यादा नॉइस पोल्यूशन हो। साल में 80 दिन धूप में बैठो ताकि विटामिन डी मिले, ठीक है। जब दिन भर में 80 बार किसी को गिफ्ट दो, 80 लोगों को रोज गिफ्ट बांटो। गिफ्ट समझते हो, व्हाट इज गिफ्ट, व्हाट इज गिफ्ट,